हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट डिफेंस। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो इंडक्शन रिपेयर का, और इस इंडक्शन का प्रॉब्लम है कि इसका जो बोर्ड है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका, और आज मैं आपको इसमें न्यू बोर्ड लगाने के बारे में बताएंगा और न्यू बोर्ड को इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो चलिए, एक छोटा सा इंट्रो के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट डिफेंस। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो इंडक्शन रिपेयर का, और आज मैं इसमें न्यू बोर्ड लगाने के बारे में बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो भी कचरा है इस सबको साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसमें न्यू बोर्ड लगाने के बारे में दिखाते हैं आगे वीडियो में। अब चलिए, यहाँ पे न्यू बोर्ड मैं लेकर आया हूँ, STN कंपनी का है, और कोई भी कंपनी का आपको मिल जाएगा इतना हैवी बोर्ड। तो लगभग जो भी कंपनी हो इस क्वालिटी में होना चाहिए, 2200 वाट या 2000 वाट के आसपास, तो आपका जो है हर इंडक्शन में आपका काम करेगा। 1800 वाट से अच्छा 2200 वाट का आपको इंडक्शन में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी इसमें इस बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। और चलिए, इसको निकाल लेते हैं और इस बोर्ड को इजीली इसमें आपको लगा के दिखाते हैं। और बहुत ही सिंपल है लगाना, और रिपेयर करने से बहुत ही सिंपल है। तो इस बोर्ड को इसमें लगा देना है और इजीली अब इसको कोई भी लगा सकता है। तो चलिए, आज मैं इसको लगा के देखते हैं। तो इस चैनल पे जो न्यू है देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, और बेल आइकन को भी दबा देंगे तो जो भी मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे इस बोर्ड को यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, और आपके जो स्क्रू है वो आपको इजीली यहाँ पे एडजस्ट करके लगा देना है ताकि आपको जो बोर्ड है बाद में खुले नहीं हिले नहीं इसके लिए। तो चलिए, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास पुराना ही फैन है तो इस फैन को इस इंडक्शन में लगाएंगे। कभी कभी होता है क्या है, जो फैन का माइनस प्लस कनेक्शन है वो उल्टा होने के कारण जब भी इंडक्शन में डायरेक्ट क्लिप लगाते हैं तो हमारा जो है फैन वर्क नहीं करता है, तो उसका माइनस प्लस को देख के यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इंडक्शन को फैन को मैंने यहाँ पे लगा लिया हूँ, पुराना ही बट अच्छा फैन है, और यहाँ पे माइनस प्लस देख के इस कनेक्शन को यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक बार आपका फैन नहीं चले तो उल्टा कनेक्शन को दोबारा चेंज करके लगाएंगे, उसके बाद आपका जो फैन है चलने लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ माइनस प्लस को देखते हुए, और आप भी इजीली अगर काम नहीं करता तो कनेक्शन को चेंज करके करेंगे तो आपका दोबारा काम करने लगेगा। सिंपल सी बात है, कनेक्शन चेंज। तो चलिए, यहाँ पे हमने कनेक्शन को कर लिया हूँ और इसको यहाँ पे लगा दिया हूँ, और इस कोयल को वहीं पे लगाएंगे जहाँ पे जहाँ से मैंने पुराना बोर्ड से जो खोले थे वहीं पे लगाएंगे। इसका नट बोल्ट इसमें यहाँ पे दिया हुआ, ये दो पॉइंट में आपको हेवी ट्रैक में यहाँ पे मिल जाएगा, इस दोनों ट्रैक में टाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं पहले टाइट, और उसके बाद यहाँ पे टाइट कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है इसको लगाना। बहुत ही अच्छा क्वालिटी इस बोर्ड में मुझे देखने को मिला, मैंने यूज किया हूँ और मैं लगा के दिया हूँ, कम से कम अभी एक सप्ताह हो चुका है पार्टी का। उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, मतलब वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं बाद में एडिटिंग करता हूँ वीडियो को बताने का जो भी। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे सेंसर लगाएंगे, और ये सेंसर आपका बहुत ही काम का है। ये सेंसर नहीं लगता तो आपका जो इंडक्शन ऑन नहीं होगा, तो ये सेंसर आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे सेंसर का पॉइंट जो यहाँ पे मिल जाएगा उस जहाँ भी लग जाए वहाँ पे इजीली इसको लगा देना। कुछ अलग जगह में इस सेंसर पॉइंट को नहीं लगा सकते आप,
तो इजीली आपका जो है लग जाएगा। यहाँ पे जो है अब इसको लगाने के बाद सारा चीज़ हमारा जो कनेक्शन हो गया, यहाँ पे अब जो है इसकी जो प्लेट है, नंबर प्लेट है जो जहाँ से स्विच के काम करेगी, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पे जो एक गोंद है इसको इजीली यहाँ पे लगा के पहले ही चिपका लेते हैं, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। तो यहाँ पे इजीली इसको यहाँ लगा देंगे और इस नंबर प्लेट को यहाँ पर लगा के पहले इसको चेक कर लेते हैं ये इंडक्शन जो हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्लिप आपको मिल जाएगा छोटा सा, जो भी क्लिप हो एक ही क्लिप रहता है, दूसरा क्लिप में आपका सेट नहीं होगा। तो इस क्लिप में लगा लेंगे इजीली और आपका जो है सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसी कोड का जो क्लिप है इस क्लिप को भी लगा देना। किसी किसी में आपको सोल्डरिंग करना पड़े तो एसी का पिन, जो दो पिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हैवी, इस दोनों पिन में सोल्डरिंग करके अब इजीली इसको चला सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और इसी टाइप में और जहाँ पे मैं कनेक्शन किया उसी के अगल बगल में आपको एसी करंट का कनेक्शन मिल जाएगा। अब चलिए ये इंडक्शन जो हमारा ऑन हो चुका है, अब इसमें मैं बर्तन को रख कर इसको ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे बटन बहुत ही डिफ़िकल्ट राइटिंग में लिखा हुआ, मतलब भाषा में लिखा हुआ, इंग्लिश में पता ही नहीं चल रहा इंग्लिश में लिखा है कहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इंडक्शन हमारा जो है बीच वाला बटन से ऑन हो जाता है। यहाँ पे ऑन करके और इस बर्तन को चढ़ा कर देखेंगे हमारा जो इंडक्शन बोर्ड है वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम नहीं करता तो रिटर्न भी हम जहाँ से लिए हैं वहाँ रिटर्न भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं अब जो हमारा जो है इंडक्शन वर्क कर रहा है। और ये देखिए हमारा जो है गर्म होना भी स्टार्ट हो गया, आवाज़ भी कुछ लग रहा कि जो गर्म हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो काम करता वो काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर सही हो चुका है और इसको अब अंदर में लगाते हैं और इसको यहाँ पर कटिंग करके कुछ, यहाँ पर स्किन टच वाला है तो आपको यहाँ पर दिक्कत होगा, तो इसके लिए यहाँ पर कटिंग करके तार को साइड से लेना होगा, क्योंकि शीशा में दिक्कत होगा वहाँ पर तार पार करने में, इसलिए साइड से यहाँ पर कनेक्शन को पार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा कर तार यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा काटने के बाद यहाँ पर जो है आपका जो बोर्ड है, मतलब तार जो है वो तार आपके यहाँ निकल जाएगा इस बोर्ड का। उसके बाद यहाँ पे इंडक्शन में इजीली हम पार करके लगा सकते हैं। तो आपका जो इंडक्शन है किसी इंडक्शन में कैसा लगता है उस हिसाब से आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए हमारा जो है सेटअप हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो है लगभग हो गया है और इसको इजीली हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं इस बोर्ड को और ये जो है पैनल बोर्ड और पैनल बटन भी बोल सकते हैं, पैनल बोर्ड भी। तो चलिए मैं यहाँ पे जो हमारा जो एडजस्ट हो चुका है और इस बैक साइड को भी लगा लेते हैं और ये हमारा लग चुका है और इसको मैं यहाँ पे इजीली इसमें लगा लेते हैं। तो जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहता है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर देखिए हमारा जो कनेक्शन हो चुका है, अब इसको इजीली यहाँ पे चिपका देंगे और यहाँ पे चिपका लेते हैं और इजीली यहाँ पे आपको चिपक जाएगा और यहाँ से आपका हिलेगा नहीं और बहुत ही कंफर्टेबल आपका इंडक्शन बन जाएगा कोई भी। तो चलिए यहाँ पे सारा चीज़ को लगा लेते हैं और इस इंडक्शन को चालू करके देखते हैं अंत में। अब जो हमारा यहाँ पे ग्लास जो उखड़ा हुआ है इस ग्लास को भी यहाँ पे चिपकाना है, तो इस ग्लास को कैसे चिपकाएंगे? तो यहाँ पे चिपकाने के लिए आपको डेंड्राइट का जरूरत पड़ेगा। तो ग्लास आपको मिला के कुछ इस तरीके से जो भी बिठा लेना, उसके बाद यहाँ से इसमें डेंड्राइट की मदद से इस ग्लास को चिपका लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसको चिपकाने के बाद इसमें, उसके बाद इंडक्शन को टेस्ट करेंगे, आगे वीडियो में देखते हैं।
अब चलिए इस इंडक्शन को ट्राई करते हैं लाइन में लगा के। तो चलिए यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं इस बर्तन को चढ़ा के। तो ये जो हमारा इंडक्शन है पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, तब तक के लिए बाय। फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं।